हेलो नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है ओप्पो का लेटेस्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन ओप्पो एफ 17 प्रो। अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आने वाला है और हमारे पास आ गया है इसका डेमो डिवाइस। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है लेटेस्ट ओप्पो एफ 17 प्रो का। तो ये देख सकते हैं मेरे पास से ओप्पो एफ 17 प्रो का बॉक्स। यहाँ पे कुछ कैमरे का डिटेल लिखा गया है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं डेमो फोन लिखा है क्योंकि ये डेमो डिवाइस है, दिखाने के लिए आया है। तो इसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आपके लिए मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग ओप्पो एफ 17 प्रो। तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा ओप्पो एफ 17 प्रो, काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम है। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको मिलता है जो कि है ट्रांसपेरेंट कवर, और यहाँ पे आपको एक 30 वाट का चार्जर मिला है। बुक फ्लैश 4.0 है, ये बहुत ही बड़ा है देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपके फ़ोन को चार्ज भी कर देगा, 30 वाट का चार्जर है। और इसके अंदर आपको एक डेटा केबल मिलता है टाइप सी का, क्योंकि टाइप सी है इसका जो चार्जिंग पोर्ट का टाइप है, टाइप सी है। और यहाँ पे एक ओप्पो का ईयरफोन मिलता है जो कि सारे फ़ोन में देता है, और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन बैक कवर भी मिलता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि प्रोटेक्ट करता है आपके फ़ोन को और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और यहाँ पे एक दो आपको पेपर्स मिलते हैं जो कि क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल वगैरह हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है आपको। तो फाइनली ये है हमारा डिवाइस ओप्पो एफ 17 प्रो, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। इसका जो थिकनेस है 7.48 mm है जो कि काफ़ी पतला है, मार्केट में जितने भी फ़ोन है शायद सबसे पतला फ़ोन यही है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है देख सकते हैं। पीछे की तरफ आपको चार कैमरे मिलते हैं यहाँ पे, 48 MP, 8 MP, 2+2। तो यहाँ पे 8 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको मिलता है 16 MP प्लस 2 MP का फ्रंट कैमरा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट और ईयरफोन जैक भी दिया गया है, और यहाँ पे दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी आप सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और चलिए देख लेते हैं फ़ोन को ओवरऑल लुक, आप अच्छे से देख सकते हैं पीछे का कलर बिल्कुल मेटालिक का मेटल कलर है और कैमरे का डिज़ाइन बिल्कुल आईफोन जैसा लग रहा है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। तो चलिए अभी फ़ोन को हम ऑन करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या आपको मिलता है, फीचर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसेसर रैम वैम वगैरह क्या क्या है डिटेल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डुअल पंच होल डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अबाउट डिवाइस में जाके क्या क्या डिटेल में आपको, देखिए एंड्रॉयड का 10 वर्जन मिलता है आपको, 8 GB का रैम है, 128 GB का मेमोरी है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर यहाँ पे क्या है लिखा नहीं गया है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रोसेसर क्या है, शायद मीडिया टेक का कोई प्रोसेसर है, मैं आपको CPU जेड डाल के यहाँ पर दिखाऊँगा। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं CPU जेड और मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेसर का डिटेल, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है CPU Z, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोसेसर है 2.2 GHz का ऑक्टा कोर है, यहाँ पे लिखा गया है MT6779, इसका मतलब है मीडिया टेक का P95 प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है। तो मीडिया टेक का P95 लेटेस्ट प्रोसेसर है, गेमिंग करने के लिए भी अच्छा है प्रोसेसर, 2.20 GHz का इसका स्पीड आप देख सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल चाहें तो आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैमरे के बारे में मैंने ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि जल्दी से मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करना अभी बाकी है। तो ओवरऑल कैमरे का थोड़ा लुक देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको 48 MP, 8 MP +2+2 चार कैमरे आपको यहाँ पर मिलते हैं। 8 MP का जो है डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पर, मैं बस 4K का सपोर्ट है क्या मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से होना चाहिए 4K रिकॉर्डिंग, और 4K रिकॉर्डिंग होगा तो ऑब्वियसली आप फ़ोन में 4K प्ले भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, तो ये एक अच्छी बात होती है। रिकॉर्डिंग तो फिलहाल कोई करता नहीं है, बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन वीडियो प्ले ज़रूर करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट मिलता है तो ये एक अच्छी बात है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यहाँ
तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।